इसमें तीन नट मिलेंगे, एक दो और थ्री, ये 1 2 3 जिसमें तीन नट है, तीनों नटों को खोलना पड़ेगा आपको। इस तरीके से ये नट खुल जाएंगे। काम आएगा और वही तीन नट काम आएंगे, तो ये नट फिर से वो इस तरह से खुल जाएंगे। हरदम ये उल्टे ही खुलते हैं, ध्यान रखना घड़ी का सिया किधर चलता है, उस साइड में खुलेंगे। ये खुल गया। फिर आपको धीरे से थोड़े की चोट मारनी है, तब ये अलग हो जाएगा। ज्यादा हेवी नहीं मारना है, बिल्कुल धीरे से मारना है। धीरे से मारने पर ये देखो, ये पार्ट इसका अलग हो गया और ये पार्ट भी अलग हो गया, दोनों अलग अलग पार्ट हो गए। इसको डाल देते हैं बाल्टी में, ऐसे इसलिए डालते हैं कि घूम न जाए। फिर इसमें मिलेगी आपको एक 10 प्लेट, देखो ये मिल गई। फिर अंदर मिलेगी 10 प्लेट, इसके लिए आपको लॉक प्लास लेना पड़ेगा। मैं लॉक प्लास लाता हूँ, ये आ गई लॉक प्लास। लॉक प्लास के बारे में मैंने बताया नहीं है, सॉरी, इसलिए माफी चाहता हूँ। पर ये लॉक प्लास भी काम आती है। लॉक प्लास किस काम आती है? लॉक प्लास ये लॉक निकालने के लिए काम में आती है। लॉक प्लास से 10 प्लेट बाहर आएगी, नहीं तो बाहर नहीं आएगी। तो ये लॉक प्लास कैसे काम आती है मैं बताता हूँ। इसको इसे दाबने पर छीती हो जाती है, तो ये लॉक इसमें लगाने के बाद में ये देखो लॉक बाहर आ गया, लॉक बाहर आ गया। इसमें डाल देते बाल्टी में, अभी लॉक प्लास काम में नहीं आएगी। जब फिटिंग करेंगे तब ये लॉक प्लास काम आएगी। तो ये 10 प्लेट बाहर आ गए। ये 10 प्लेट पूरी कार्बन प्लेट है, तो ये थोड़ी सी भी ऐसे भी पटकते ही ये जल जाती है, फिर किस काम में नहीं आती, इसलिए इसको मेल देते हैं सुरक्षित में। फिर वही 3 बोल्ट आपको वापस मिलेंगे, 3 नट है वही 1 2 3 4, ये 1 2 3, ये 3 नट वापस मिल जाएंगे आपको। ये 3 नट वही मिलेंगे, वही उल्टा ही खुलेंगे, उल्टा नहीं खुलेगा, वो भी घड़ी के इशारे से चलता है, ये भी घड़ी के इशारे से खुलेगा। तीनों नट खुल गए। फिर वही आपको थोड़ा लेना है, ज्यादा ज्यादा हैवी चोट नहीं मारना है, बिल्कुल ये चोट मारने पर ये देखो नट आ गए, ये नट अलग आ जाएंगे। और आपको एक चाबी भी मिलेगी, वो भी ध्यान रखना है, ये पार्ट अलग हो गया। ये चाबी 10 प्लेट में लगती है, हमेशा ध्यान रखना है ये चाबी कहाँ लगती है। ये पार्ट भी अलग हो गया, इसके 3 पार्ट आते हैं, तीनों अलग हो गए। ये आता है रोटर, इसमें चाबी यह लगती है। मैं जब फिटिंग करूंगा मोटर को वापिस संभल होगा तब ये बताऊंगा कैसे लगती है। अब ये रोटर है, ये रोटर को मैं बाहर ऐसे भी निकलूंगा, आगे भी खोलना है, इसलिए वही पाला काम में लेना है। चलो आगे आते हैं, चलो आगे का मुंह इधर आ गया। अब बताता हूँ मैं, ये इसको बाहर निकाल लेना, आपने हल्के तोड़ मारना है, प्लास्टिक का थोड़ी से मार लेना है या ऐसे मार लेना है। ये नहीं निकलता है तो आपको ऐसे करके में आपको ये एक चेन गार्ड मिलती है, तो ये ऐसे चलती है, ये इसको ऊपर लगती है। ये किस लिए लगती है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, किस काम में आती है और क्या काम करती है। चलो वो थ्री, तो ये कैसे खुलते हैं, वही ऐसा बल्ब उल्टा वही वैसे खुलेंगे। तो ये बोल्ट देखो खोल देता हूँ मैं तीनों, थोड़ा टाइट हो सकता है आपको खुल जाएंगे, इस पाने से ही खुलेंगे। ये भी 5 नंबर पाना ही लगता है, इसको हमें एलंगी पाना बोलते हैं। ये खुल गया, इसके लिए आपको एक पाना और लेना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको भी। तो हमने ले लिया ये पाना, ये मैंने बताया नहीं है, बता रहा हूँ। ये भी पाना लगता है, ये 22 नंबर पाना है, ये 22 नंबर पाना इस बोल्टों पर लग जाता है। तो
ये बोल्ट को कभी टाइट खुलता है कभी ये खुल जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें मिट्टी लगी हुई है, ये क्या होता है बोरिंग की मिट्टी होती है, तो इसको आप कैसे इसको साफ कर लेना, लोक प्लास से करो या पेचकस से करो या आप रेती से कर लो, किसी भी जो भी आपके पास औजार होता है, जिसे हमारे पास में अभी लोक प्लास है, लोक प्लास खराब हो जाती है इसलिए मैं बता रहा हूँ पेचकस से कर लेना सही है। तो ये देखो ये बिल्कुल इतना साफ तो नहीं हुआ पर हो गया, फिर होने के बाद में ये पाना इस तरह से लग जाता है, और वो भी इसका बल्ब भी उल्टा ही है, उल्टा नहीं खुलेगा, थोड़ा पाना लग नहीं रहा है, टाइट है ना, इसमें जगह बहुत कम आती है, इधर क्या जगह बहुत कम आती है, और ये देखो ये इधर ही खुलेगा पूरा पूरा बोल्ट नट वगैरह सब उल्टे ही खुलते हैं, तो देखो ये खुल गया, ये खुल गया, ये देखो ये आ गया खुल के, इसको भी बाहर रख लेना है, ये भी चाहिए तो आप केबल में भी रख सकते हो। फिर आपको मिलेगा एक छोटा, इसमें एक छोटा रबर का मिलता है, एक स्टील का ये फ्लाइवील मिलता है, ये आपको इसलिए ये अंदर नहीं जाए। फिर आपको वही लॉक प्लास या पेचकस के सहारे से, मैंने पेचकस भी बताया था, लॉक प्लास या पेचकस के सहारे से इसको बाहर निकालना है, इसको हम केबल गुटका बोलते हैं, रबड़ का आता है, देखो ये बाहर आ गया, ये इस तरीके से आता है और ये बाहर आ गया, बाहर आने के बाद में ये मोटर कैसे वापिस ये कैसे आएगा, आप हथौड़े के चोट से भी उठा सकते हो, हम क्या करते हैं हम इसको इधर कर देते हैं, इधर करने के बाद में हम इधर इस पर चोट मारेंगे, इस पर आप ऐसे हाथ से भी मार सकते हो या रबड़ के हथौड़े भी मार सकते हो, हम क्या करते हैं ये दोनों हथौड़े एक साथ लेते हैं, एक साथ लेने के बाद में थोड़ी सी चोट मारते हैं, चोट मारने के बाद तुरंत ये बाहर आ जाता है, देखो ये समय ये आ गया बाहर, ये बाहर आ गया, ये पूरी मोटर अपनी खुल गई है, अब ये आप आसानी से रोटर को बाहर काट सकते हो, ये रोटर दोनों साइड में निकल सकता है, किसी साइड में निकाल सकते हो आप, ये रोटर ये बाहर आ गया, रोटर को मेल देते हैं साइड में, ये कैसे खुलते हैं, मैं अभी इसके लिए आपको छोटा एक पाना लेना पड़ेगा, पाना या कुछ चीनी से खुल जाएगा, मैं बताता हूँ आपको रखना कैसे खुलता है, मैं बताता हूँ आपको, ये इस पे आता है चूड़ी आता है, इसमें चूड़ी सिस्टम आता है, ये हमेशा एक उल्टा एक उल्टा या दोनों एक राउंड हो जाते हैं, तो पहले ढकना कैसे खुलता है, ये खुलेगा आपको उल्टा तो ये अभी नहीं खुलेगा, इस पर आपको कहना है मैंने बताया था थोड़ी, तो इस पर आपको थोड़ा थोड़ा मारना है, ऐसा थोड़ा मारने पर ये क्या होता है लीवर हो जाता है,